प्रश्न, मैं नाम बोलूंगा वही जवाब देना, ठीक है? तीनों मत जवाब देना। ये प्रश्न है उपसमजन से। सब दुखों का मूल कारण है ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, उक्त सभी। सभी उक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न, व्याप्ति जैन से। मैं जब कह रहा हूं व्याप्ति जैन से, तो व्याप्ति जैन ही जवाब देंगे, ठीक है? सही दें, गलत दें, नहीं दें, बाकी लोगों को आता है तो भी मौन रहना है। अभी मैं सिर्फ व्याप्ति जैन से पूछ रहा हूं। हाँ ज्ञाना ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता है दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य। ज्ञान। वेरी गुड, सही जवाब। व्याप्ति जैन ने सही जवाब दिया है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं अविरल जैन से। इंद्रिय जनित सुख के प्रयोजन के लिए अरहंत आदि की भक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि लौकिक सुखों की अभिलाषा है। पुण्य भाव, पाप भाव, राग भाव, द्वेष भाव। पाप भाव। पाप भाव। बहुत बढ़िया, सही जवाब। अब मैं अगला प्रश्न पूछ रहा हूं उपशम जैन से। देखिए, जब उपयोग अपने स्वरूप में ना लगे तब उपाध्याय क्या करते हैं? शास्त्र को स्वयं पढ़ते हैं, अन्य बुद्धिमानों को पढ़ाते हैं, उपर्युक्त दोनों विकथा करते हैं। उपयुक्त दोनों। बहुत बढ़िया उपशम जी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, नीचे कौन आ गया? ये दिव्यांश जैन। चलिए बताइए, अनादि काल से सर्वज्ञ कथित गणधर देव द्वारा गुथित सत्यार्थ पदों की परंपरा किस प्रकार प्रवर्तती है? उनके अनुसार ग्रंथ रचना द्वारा, अभ्यास द्वारा, कहने और सुनने से, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। सही जवाब। बहुत बढ़िया, आप देख रहे हो, और देखो और हैंड रेज कर रहे हैं। आकाश जी, जो बच्चा हैंड रेज कर रहा हो उसको ऐड कर लेना, यहाँ बड़ों को ऐड मत करना। प्रभा जी आप हैंड रेज क्यों कर रहे हैं? आप बच्चे थोड़ी हैं। अच्छा, दूसरी प्रभा जी हैं ये। ओके, चलिए फिर से व्याप्ति जैन। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम को बनाए रखना ही है। सही, गलत, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। गलत। गलत, बिल्कुल सही। और चलिए, मेरा नाम व्याप्ति शाह है, व्याप्ति जैन नहीं। अरे वाह, क्या बात अच्छा है। कोई बात नहीं है, यहाँ पासपोर्ट नहीं बना रहे हैं, आपकी फ्लाइट में जा सकते हैं, व्याप्ति शाह। चलो अगला प्रश्न, अब मैं समापन की ओर चलता हूं। मैं तो सिर्फ आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ को कितनी गहराई से अभ्यास कर रहे हैं। प्रशम जैन आप बताइए, आत्मा के अनादि से कौन सा रोग पाया जाता है? कैंसर, डायबिटीज, संसार रोग, देह का रोग? संसार संसार रोग। बहुत बढ़िया, सही जवाब। अविरल जी, चलो 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 आगे, और आगे बढ़ू, यहीं को रुकूंगा, सामने खड़ा हूँ। तो इस संसार में बहुत जीवों के बहुत काल तक किसका उदय रहता है? साता का, असाता का, संवर का, निर्जरा का? का बहुत बढ़िया, सही जवाब। चलिए अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं, अब चारों से जो जवाब दे दे वो, अब मैं तो अब बोलता जाऊंगा, ठीक है? जिसको आ जाए वो बोल देना। नरक गति के नारकी जीवों के षट लेश्याओं में से इन लेश्याओं की मुख्यता रहती है, पीतादि शुभ लेश्याओं कृष्णा की, कृष्ण कृष्णादि अशुभ लेश्याओं की, उक्त दोनों की, क्रोधादि केशायों की? कृष्णादि कृष्णादि सब लेश्याओं की। चलो अंतिम अंतिम अंतिम, दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता किसके होने पर होती है? कषाय, विषय, इच्छा, पाप का उदय? इच्छा सही इच्छा जवाब सभी का, इच्छा। इच्छा को दूर करो, अपने अपने घर में बैठो, नाम नहीं भी आया है तो भी खुश रहो, आ गया है तो भी खुश रहो, इनाम मिल जाए तो भी खुश रहो, नहीं मिल जाए तो भी खुश रहो, ये इच्छा ही आपको दुखी करती है, इसलिए इच्छा रहित हो जाएं। इस तरह से आज के इस महा एपिसोड में आप सबने भाग लिया आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ, चूंकि दोनों ही हमारे साथ जो जिनके नाम मैंने लिए, अजीत जी दिल्ली से, वे भी वयोवृद्ध हैं, और डॉक्टर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं पहले दादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पहले तो दादा से क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपको इतनी देर तक
प्रतीक्षा कराई। प्रतीक्षा इसलिए कराई, मैं आपको बता देना चाहता था कि आपने जो हमें पढ़ाया है वो हम लोगों को कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर इतनी देर सब नहीं बताता तो कैसे पता चले। चलिए मैं अभी हमारी दृष्टि से तो समय है, पर्याप्त समय है दादा, आप अपने उद्बोधन द्वारा प्रदान कीजिए। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये देखकर बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है। जितने लोग इस इन प्रतियोगिताओं में इनमें शामिल हुए हैं उन्हें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का गहराई से अध्ययन हो ही जाएगा। अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन की बात नहीं है, जैन दर्शन का मूलतः 70-80% अध्ययन हो जाता है। और जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है और हमारी मोक्षु समाज में अधिकांश लोग जिसे जानते हैं और हम ना जाने तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो साधन जुटाया है इन बच्चों ने इतनी मेहनत करके, ये अपने प्रति बहुत बड़ा उपकार है। और वो लोग जो इसमें भाग नहीं ले रहे हों और उन्हें कोई रस भी नहीं हो, उन लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वे एक बार देखें, कौतूहल बस देखें। जैसे हम समाचार सुन लेते हैं टीवी पे और बातें देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो उससे आपको कम से कम ये अंदाजा तो लगेगा ना कि कितनी साधारण सी बातें हैं और जिनको हमारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, हमारे नाती पोते जानते हैं और हम नहीं जानते हैं, तो कितने दुख की बात है, कितने खेद की बात है। और ये जानना बहुत जरूरी है, आत्मा के कल्याण के हिसाब से भी जानना बहुत जरूरी है। और आप देखिए हम कितने लोगों तक पहुंच जाते हैं। हमें पहले गांव में पाठशाला पढ़ाते थे तो मोहल्ले के लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाते थे, जिसका घर थोड़ा दूर हुआ वो नहीं आ पाता था। और आज हम देख रहे हैं सिंगापुर से बोल रहे हैं, अमेरिका से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं, लंदन से बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के इस बड़े बड़े शहरों से, कहीं से भी, किसी भी शहर से इन्हें गांव से भी। माने हम अपनी बात को इस माध्यम से कितनी जगह पहुंचा सकते हैं और कितने लोगों से जुड़ सकते हैं, कितने अच्छे लोगों की संगति कर सकते हैं। मेरे पास में बहुत से लोग आते हैं और ये कहते हैं मेरे ऑफिस में उधर जाके कि हमें डॉक्टर साहब के दर्शन करना है, उनका मिलना है, उन्हें देखना है। मैं कहते कैसी बातें करते हो, हम तो ये तुम जैसे ही साधारण आदमी हैं, तो मिलना है तो आ जाओ, मिल लो, क्या बात है। यानी हम इतना एक एक आदमी से मिलना चाहते हो, ये हमारे पास कितना बढ़िया साधन हो गया। ना किसी जिससे हम मिलने जा रहे हैं ना उसे कोई तकलीफ, और ना जो मिल रहा है ना उसे कोई तकलीफ, और ना कोई इन्फेक्शन लगने का डर, ना कोरोना का डर। हम अपने घर में बैठे बैठे सबसे मिल सकते हैं और सब हमसे मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा साधन है, इस साधन का उपयोग हमारे लिए करना पड़ेगा। एक दिन की सच्ची घटना है कि शांति साहू शांति प्रसाद जी से हमारी बातचीत हो रही थी धर्म के प्रचार के संबंध में। तो बीच में चर्चा चली गई, टीवी आ गया है, अब इसे हमारे घरों में प्रवेश कर दिया है, सबको टीवी हो गई है, इस तरह से बहुत बहुत इन आज के जो साधन हो गए हैं ना, इनकी बहुत आलोचना हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा, साहू जी ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक खुशी की बात ये है ये टीवी बिकाऊ है और आप जैसे लोग खरीद सकते हैं।
जैसे ये लोग बोल रहे हैं और एक आदमी को टीवी पे बोलने को मिल जाए तो कितना बड़ा सौभाग्य समझता था। हम एक तुच्छ से पैसे देकर आपके लिए जो बिल्कुल उसका कोई खास महत्व नहीं है, पर आप अपने माल बेचने के लिए देते भी हो ना, तो इस धर्म की बात को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए आप इस टीवी को खरीद क्यों नहीं लेते हैं? अब तो आज आप चला सकते हैं और अपने तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सकते हैं, सब अपने विचार को पहुंचा सकते हैं। यदि आपके पास सच्चा माल है, यदि आपके पास जैन दर्शन का सच्ची जानकारी है और आप पहुंचाना चाहते हैं और आपके पास सब साधन है, तो आप अपना काम कीजिए ना। वो खराब काम कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, ये गंदी गंदी चीजें दिखाते हैं, ये करते हैं, दूसरे की आलोचना करने से क्या फायदा? हम अपनी बात कहें ना। मैं पहले एक उदाहरण दिया करता था कि निर्मा वाला 10 दफे बोलेगा निर्मा 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 और कुछ नहीं, बस उसका नाम ही नहीं है, दूध सी सफेदी निर्मा निर्मा। लेकिन मैं कहता हूँ एक दफे ये बोलना कि सनलाइट साबुन ठीक नहीं है, लाइफ बॉय ठीक नहीं है, ऐसा क्यों नहीं बोलता है? वो कहता है मुफ्त में थोड़ी जगह समय मिलता है, इसके पैसा लगते हैं, मैं उसका नाम क्यों लूं? लोगों तक उसका नाम पहुंच जाए और पैसा मेरा खर्च हो। हम अपनी बात को दोहरा करके पहुंचाए ना, जो हमारे पास जैन तत्व ज्ञान है, भगवान वीतराग की वाणी है, हित करने वाली बात है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए जो लेटेस्ट साधन हो गए हैं, उनको आलोचना करने से, उनकी बुराई करने से, ये हमारे घर में से निकलने वाला नहीं है। टीवी घुस गया है तो घुस गया है, मोबाइल घुस गया है तो घुस गया है, बच्चे बच्चे की जेब में, महिलाओं की पुरुषों के में, उसे हम निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन उस उनके माध्यम से हम घुस सकते हैं। तुम्हारा जो मोबाइल तुम्हारे पास है, हम वो तो नहीं छीन सकते हैं, लेकिन हम अच्छी बात कहना चाहें तो तुम्हारे उस मोबाइल के माध्यम से तुम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस बात का हम बहुत अच्छा प्रयोग करें। हम तो देखते हैं अशोक जी हैं, इनको हम बचपन से देख रहे हैं, हम इनके पिताजी के दोस्त थे और प्रवीण के भी हो गए, अभी स्वाध्याय करते हैं, देखते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसमें बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, छोटे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, भाई भी आ रहे हैं, बहन भी आ रहे हैं, तो हमारे साधन में के मिलन का ये बहुत बढ़िया साधन है। ऐसा खराब समय आया था और ऐसी स्थिति बन गई, लेकिन इसमें इसको जो है ना, क्या हुआ गया था, क्या हुआ है बीमारी अपन को, कोरोना ने हमको यदि परेशान किया है, तो इस टीवी के माध्यम से हम घर पर बैठ के शांति से तत्व ज्ञान का अभ्यास कर सके, लिख सके, पढ़ सके और ये सब काम कर सकते, अपने घर में पूरी तरह सुरक्षित है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम प्रेम से इसमें सब लोग शामिल हों, इसे देखकर कम से कम अपने बच्चों को, अपने बड़े को, बुजुर्गों को, माँ बाप को, कम से कम मैं तो गुरुओं से कहता हूँ कि घर में अम्मा जी बैठी है ना, तो एक टीवी इन्हें क्यों नहीं लगा देते हो और उन्हें 4 मिला करके गुरुदेव के प्रवचन और विद्वानों के प्रवचन, बढ़िया बढ़िया संगीत, पूजा पाठ लाला करके घर में लगा दो और दिन भर चलाएं वो आराम से। आपके घर में भगवान का नाम बजता रहेगा और ये तत्व ज्ञान भी उनको मिलता रहेगा। तो इस काम को हमारे इन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा उपयोग किया है और अधिक 100 गुना उपयोग करें और नई नई तरकीबें निकालें और वो इस माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचाएं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। समय साथ ये आप बुद्धि ऐसी हो गई ना, 87 वर्ष का हो गया अशोक जी,
अब कब तक चलेगा काम? लेकिन भाग्य की बात ये है कि ऐसी ये बेकार की चीजें भूल रहा हूँ, कोरोना का नाम याद नहीं होता, मेरे विद्यार्थियों के नाम याद नहीं रहते, ये रोजीना मेरी सेवा करते हैं और मैं इनका ही नाम भूल जाता हूँ। लेकिन समय सार की गाथा नहीं बोलता हूँ, ये तत्व ज्ञान की गहराई नहीं बोलता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्तियां नहीं भूलता हूँ, और इसमें तुम लोगों की ये बातें सुनने में रस आता है, ऐसा चाहता हूँ। ऐसा नहीं समझेंगे तुम लोग के डॉक्टर साहब को आराम करने दो तो मैं खुश होऊंगा। देखना चाहता हूँ, आप लोग नहीं बुलाओगे तो भी मैं देखूंगा कि कोई अच्छा काम आप लोग कर रहे हो, क्योंकि मैं मुझे चित्त में उसकी अनुमोदना है, इसलिए ये काम आप लोग करते रहो, बहुत अच्छा काम है। विपिन है ना जी, जी। विपिन ही नाम है ना? हाँ, हाँ। विपिन जी ये काम को करते रहो, बहुत अच्छा काम है, और जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। बहुत बहुत आभार दादा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने यद्यपि छोटे से कदम चालू किए थे, सोचा था ये 300वीं जन्म जयंती है, कैसे मनाएं कैसे बनाएं, तो बोले अभ्यास करके मनाएं, और सोचा हमने 2-4 हजार पत्रिकाएं छपाएंगे और काम करेंगे। ये जो 1008 प्रश्नों की पुस्तिका है, ये 10,000 लोगों तक पहुंच गई है। 10,000 की क्वांटिटी हमारे लिए काफ़ी बड़ी क्वांटिटी थी, और ये वो क्वांटिटी है दादा, किसी को भी ऐसे नहीं भेजा है कि 100 इस मंडल को भेज दो, 50 उस मंडल को भेज दो। जिसने फ़ोन करके 3 बार फ़ोन किया है तो 1 बार भेजा है, क्योंकि हमारे पास संख्या सीमित थी। इस पद्धति से पूरे देश में 10,000। उसके अलावा पिछले 4 महीने से एपिसोड चल रहा है, मुझे विकल्प था मैं पहले ही एपिसोड से आपको दिखाऊँ, लेकिन उस समय आप लोनावाला थे, फिर आप बीच में आप बम्बई थे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं कैसे कहूँ। आज पता चला कि आपको मजा आता है। हमें लग रहा था हम दादा को डिस्टर्ब नहीं करें, आराम करने दे रहे, इस भय से मैं आपको नहीं बुला पा रहा था। जैसे ही मुझे खबर मिली कि आप स्वस्थ हो गए हैं, तो मैंने कहा कि भैया आप तो अंत भला सो सब भला, आज ये महा एपिसोड में आप सम्मिलित हुए, सच में बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, आपका आशीर्वाद हमें जरूर आगे बढ़ाएगा। और अब मैं बुला रहा हूँ हमारे बीच में सब संजीव बुधा ने बताया मुझे जी, इसमें तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पन्ने टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व जी, इन दो ही किताबों में से प्रश्नोत्तर बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे PhD के सब्जेक्ट था, और वो PhD की किताब है, तो मेरी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, और तुम लोग इतनी मेहनत करो और मुझे प्रसन्नता नहीं हो, है ना, ये कैसे हो सकता है? और ये तो जैन तत्व ज्ञान भरा हुआ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इन सब चीजों में तो बहुत अच्छा काम है भाई, ये करूँगा। बहुत बहुत आभार। आगम क्या परमागम क्या क्या है रहस्य जिन वाणी में, मैं हूँ कौन कहाँ से आया प्रश्न सैकड़ों है मन में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से सब समाधान हो जाएगा, बच्चे बूढ़े युवा सभी को सीधी सच्ची राह मिले, गांव गांव और नगर नगर में तत्व ज्ञान का दीप जले, तत्व ज्ञान का दीप जले।